नमस्कार, मैं मिसेस कावेरी दाभड़कर आज ग्लोबल वार्मिंग एंड ओवरव्यू इस विषय पर अपना व्याख्यान देने जा रही हूँ। हम सभी जानते हैं कि आज समूचा विश्व जो है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से ग्रसित है। यह ग्लोबल वार्मिंग सभी विद्वान विद्वत्ताओं के द्वारा यह सबसे ज़्यादा पॉपुलर यह विषय है। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा पजल हो गया है जो कि विभिन्न विभिन्न टुकड़ों में विभिन्न विभिन्न तत्वों को लेकर के परिभाषित किया जा रहा है। किसी को कहना है कि ओशंस के कारण, किसी का कहना है एटमॉस्फेयर में चेंज होता है, किसी का कहना है कि इकोसिस्टम हमारा डिस्टर्बेंस हो गया है, किसी का कहना है कि पोलर एरिया में आइस की जो वृद्धि हो गई है, किसी का कहना है नेचुरल और ह्यूमन इन्फ्लुएंसेस के कारण, कैलामिटीज के नेचुरल कैलामिटीज और ह्यूमन एक्टिविटी के कारण यह समूचे विश्व का जो तंत्र है, एक सिस्टम है, वह पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो गया है या नष्ट भ्रष्ट होने की स्थिति में है। निश्चित रूप से ये जो ग्लोबल वार्मिंग है आज का यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। चाहे विद्वान हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे समाजशास्त्र हो, चाहे भूगोलवेत्ता हो, बड़े बड़े रिसर्चर सभी इसके अन्वेषण के पीछे लगे हुए हैं। विश्व में न जाने कितने सारे सम्मेलन इसके परिप्रेक्ष्य में हुए जा चुके हैं। सवाल ये उठता है कि हम ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं या ग्लोबल वार्मिंग है क्या। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की जो क्लाइमेट है उसमें टेम्परेचर में वृद्धि होने को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्लाइमेट चेंज जो होते हैं वो क्या होता है, पृथ्वी का जो रेगुलर एटमॉस्फेरिक पैटर्न होता है, वायुमंडल का जो नियमित प्रक्रम होता है, उस प्रक्रम में थोड़ा परिवर्तन होने को हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं और इसी क्लाइमेट के चेंज होने की निरंतर होती प्रक्रिया को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादातर ग्रीन हाउस इफेक्ट और जो कि मनुष्य की कार्यविधि के द्वारा उत्पन्न होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट उसके कारण, उसके बढ़ने के कारण यह ग्लोबल वार्मिंग की प्रोसेस बढ़ गई है, ऐसा माना जाता है। प्रश्न उठता है कि हम कैसे जानेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो देखिए, ये इस ग्राफ को देखिए, ये ग्राफ है आइलैंड मियामा हवाई नाम का। इसमें आप देखिए, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वह निरंतर निरंतर बढ़ते जा रही है। इसी के साथ साथ आइस जो है वो घटते दिख रहा है। देखिए ये जो ग्राफ है ये निरंतर बढ़ता हुआ बताया जा रहा है। उसी तरह से ये जो नीचे वाला ग्राफ है उसको अपन देखेंगे तो देखेंगे कि जो टेम्परेचर है वो निरंतर 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 बढ़ते जा रहा है। ये देखिए 1960 का टेम्परेचर देखिए और उसके बाद देखिए ये क्रमशः ये देखिए ये यहाँ तक पहुँच गया, मतलब और इसमें ग्रेजुअली वृद्धि होती जा रही है, मतलब बढ़ता हुआ तापक्रम और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता प्रतिशत, ये दोनों इस बात के इंडिकेटर है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के पीछे प्रमुख रूप से उत्तरदायी है ह्यूमन एक्टिविटीज। बहुत सारे साइंटिस्ट जो है इस पर काम कर रहे हैं या इस पजल पर पूरी सेंचुरी हो गई है साइंटिस्ट इसमें काम कर रहे हैं और बहुत सारे एक्सपर्ट ये फील करते हैं कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, इन एक्टिविटीज के कारण हमारे समूचे इस पृथ्वी पर या इस प्लेनेट पर एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है और इसके पीछे बहुत सारे हम कारण दे सकते हैं, एविडेंसेस है जो कि इस बात को प्रतिपादित करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या ग्लोबल वार्मिंग को ड्राइव करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। निश्चित रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और अदर पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं ये जो होते हैं इनका जो एटमॉस्फेयर में जो कॉन्सेंट्रेशन वह निरंतर बढ़ते जा रहा है और इसका मूल कारण है कि कोल और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो कोल की बर्निंग होती है उससे बहुत बड़ी मात्रा में CO2 का परसेंटेज एटमॉस्फेयर में जमा हो रहा है। दूसरा, ये जो ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज है या हम बढ़ते हुए जो वाहनों का प्रयोग है, चाहे वो हवाई जहाज हो चाहे वो मोटर कार हो, इन सब के कारण भी CO2 का परसेंटेज जो है वायुमंडल में बढ़ते जा रहा है। साथ ही साथ एयर पोल्यूशन भी बढ़ते जा रहा है जो अल्टीमेटली ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। निश्चित रूप से ग्लोबल वार्मिंग आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम सबके सामने। ग्लोबल वार्मिंग के परिप्रेक्ष्य में अनेक प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होते हैं कि व्हाट इज चेंज अर्थ क्लाइमेट, इज इट रियल, हाउ डू वी नो, व्हाई शुड वी केयर, हाउ श्योर आर साइंटिस्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट कैन वी डू,
हाउ इट इन्फ्लुएंस द लाइफ और कम्युनिटी. ऐसे अनेक प्रश्न हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के परिप्रेक्ष्य में उद्भवित होते हैं, और इसी प्रश्नों के समाधान के लिए सर्वप्रथम हमको यह समझना जरूरी है कि हमारे वायुमंडल की संरचना, हमारे वायुमंडल का जो स्ट्रक्चर है वह कैसा है. निश्चित रूप से वायुमंडल में जो है फिजिकल, अगर वायुमंडल का फिजिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें पता है कि ये वायुमंडल जो है लेयर्स से बना हुआ है. वायुमंडल में अनेक परतें होती है. इसकी जो पृथ्वी से जुड़े हुए परत होती है उसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, और ये जो ट्रोपोस्फेयर है ये लगभग 9 और 17 किलोमीटर तक होती है. उसके बाद दूसरी जो स्फेयर होती है उसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर. ये नेचुरल प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर जो होती है इसी में उसी के ऊपर अवस्थित होती है. इसकी जो किलोमीटर है ये 17 से लेकर 50 किलोमीटर तक यह फैला हुआ है. मतलब सबसे पहले स्ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद फिर मेसोस्फेयर. जो मेसोस्फेयर है वो 50 से लेकर 85 किलोमीटर तक फैला हुआ है. मतलब वायुमंडल जो है वो लेयर्ड एक संरचना है. इसके अलावा ये जो वायुमंडल है इसका केमिकल स्ट्रक्चर भी अलग होता है. मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन जो होती है वह सबसे कॉमन एलिमेंट है जो वायुमंडल में पाया जाता है. इसके अलावा ऑक्सीजन जो है वो सेकंड मोस्ट कॉमन एलिमेंट है जो वायुमंडल में पाया जाता है. ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होती है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अगर हम वायुमंडल के कंपोजिशन का एक ग्राफ को देखेंगे तो हमको समझ में आता है कि 78% नाइट्रोजन होता है, 20.6% ऑक्सीजन होता है, 1% ऑर्गन होता है, 0.4% वाटर वेपर होते हैं, और 0.036% कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं. हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो ग्रीन हाउस गैस है ये मानी कि वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम मात्रा में है, लेकिन इसका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है. हम यहाँ देख रहे हैं कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन का है और ऑक्सीजन जो है मात्र 20.6% के साथ उत्पन्न है. ग्लोबल वार्मिंग के कारण किस प्रकार के चेंज पृथ्वी पर उपस्थित हो रहे हैं आइए इसको हम देखें. जो ग्लोबल वार्मिंग के जो चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के कारण जो चेंज हमको पृथ्वी के स्ट्रक्चर में या पृथ्वी पर हमको दिखाई देते हैं उसके प्रमाण के रूप में या उसके अध्ययन के रूप में हम इस तरह से ले सकते हैं कि जो सन के स्पॉट्स है मतलब सूर्य का सौर कलंकों का जो आउटपुट है वो उसमें परिवर्तन हो रहा है, अर्थ के ऑर्बिट के कारण परिवर्तन हो रहा है, या ड्रिफ्टिंग कॉन्टिनेंट के कारण परिवर्तन हो रहा है, या वॉल्केनिक इरप्शन के कारण परिवर्तन हो रहा है, या ग्रीन हाउस गैसेस के कारण परिवर्तन होता है. पृथ्वी पर बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिसके कारण पृथ्वी के जो क्लाइमेट के स्वरूप है उसमें परिवर्तन देखा जा सकता है. इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज द मेन ड्राइवर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. जो सूर्य से प्राप्त होने वाली इंसिडेंटल एनर्जी है वह ग्लोबल वार्मिंग का सबसे प्रमुख फैक्टर है. इस एनर्जी जो आउटपुट इंक्रीज 0.1% फ्रॉम 1750 टू 1950. ये जो एनर्जी है ऐसा माना जा रहा है, साइंटिस्टों ने इसको प्रूव किया है कि 0.1% जो है वो बढ़ गई है 1750 से लेकर के 1950 के दरमियान, और टेम्परेचर भी बढ़ते जा रहा है 0.2 डिग्री फ़ारेनहाइट. 20वीं सदी के प्रथम चरण में लगभग 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो बढ़ चुका है. परंतु ऐसा माना जाता है कि 1975 ऑनवर्ड्स स्पेस से जो मेजरमेंट किया गया था वो ये बताता है कि टोटल सोलर एनर्जी जो है इवन द अर्थ हैज बीन वार्मिंग नो लॉन्ग टर्म चेंज हैज बीन शोन इन टोटल सोलर एनर्जी. यद्यपि पृथ्वी में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है अर्थात सन से जो इंसिडेंटल एनर्जी है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं महसूस की गई है, लेकिन पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ रही है. दूसरा जो है रिपीटेटिव साइकिल इन अर्थ ऑर्बिट्स दैट अकर्स ओवर टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ द ईयर कैन इन्फ्लुएंस द एंगल एंड टाइमिंग ऑफ द सनलाइट. निश्चित रूप से सूर्य का जो एंगल है, सूर्य की किरणों का एंगल और सूर्य की किरणों का जो समय है या टाइमिंग है, सनलाइट की जो टाइमिंग है वह भी ग्लोबल वार्मिंग को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है, लेकिन इसके भी बहुत ज़्यादा प्रमाण हमको नहीं मिले हैं. नेक्स्ट जो होता है वो है ड्रिफ्टिंग कॉन्टिनेंट. महासागरों या महाद्वीपों का जो मूवमेंट है, हम सभी जानते हैं कि कई वर्षों से जो पृथ्वी तल पर क्लाइमेट का चेंज हुआ है उसके पीछे महाद्वीपों का विस्थापन एक प्रमुख कारण रहा है. आइस कैप्स एट द पोल्स जो है वह
प्रतिवर्ष बदलते जा रहे हैं, और ये जो बदलता हुआ जो आइस कोल का लोकेशन है वो इस बात को स्थापित करता है कि महाद्वीपीय विस्थापन अभी भी जारी है, और इस प्रक्रिया के माध्यम से पृथ्वी पर जो है हीट और कोल्ड पूरे ओशन में इसकी सिचुएशन जो है वो परिवर्तित होती है। तो ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं इसके कारण, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण बहुत सारा परिवर्तन इस जहां में हो रहा है, ऐसा हम मान सकते हैं। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के बेसिक रीजन क्या है। आप ये मैप देख सकते हैं या ये इस चित्र देख सकते हैं। हमको पता है कि जो सोलर रेडिएशन है ये एटमॉस्फेयर से होकर के धरातल पर पहुंचती है। इस एटमॉस्फेयर में नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेस होती है। सूर्य की किरण जब पृथ्वी के सतह पर पहुंचती है तो यह रिफ्लेक्टेड होती है और या परावर्तित होती है। ये जो आउटगोइंग रेडिएशन जो होते हैं यह भी ग्रीन हाउस गैस से पास होते हैं। या तो ये ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं ये इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, या फिर ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है वो उसके अंदर में ऐसी छुप जाती है, ट्रैक्ट हो जाती है। इन ग्रीन हाउस गैसेस के माध्यम से ये रेडिएशन ट्रैक्ट हो जाता है। पूर्व में CO2 जो ह्यूमन और एनिमल के माध्यम से होता था वो CO2 पेड़ों के द्वारा ले लिया जाता था। O2 जो पेड़ पौधों के द्वारा निस्सृत होता थी वो मानव के द्वारा और एनिमल के द्वारा लिया जाता था। इस प्रकार CO2 और O2 की जो मात्रा है वह बराबर बैलेंस रूप में थी, और इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग जैसी कोई भी घटना इस पृथ्वी पर नहीं, अस्तित्व में नहीं थी। लेकिन जैसे 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 ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ये जो ग्रीन हाउस है, इन ग्रीन हाउस गैसेस की जो उपस्थिति है एटमॉस्फेयर में वह बढ़ती चली गई, और इसी के कारण ये धरातल से निकलने वाली एनर्जी जो है इन ग्रीन हाउस गैस के माध्यम से अवरुद्ध हो गई, और यह एनर्जी जो है वो बहुत ही थोड़ी एनर्जी अंतरिक्ष में जाने पाई। मतलब सूर्य से निकलने पृथ्वी से निकलने वाला पार्थिव विकिरण अंतरिक्ष में जाने से रुक रहा है इन ग्रीन हाउस गैस के कारण। अर्थात इन ग्रीन हाउस गैस के कारण वायुमंडल के या एटमॉस्फेयर के अपर लेयर पर एक प्रकार का ब्लैंकेट बन गया है, और इस ब्लैंकेट के कारण पृथ्वी से निकलने वाली जो पार्थिव एनर्जी है उसका विकिरण नहीं हो पा रहा है। परिणाम स्वरूप पूरे विश्व में तापमान की बढ़ोतरी हो गई है, और इसे ही कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट देखिए, इस चित्र के माध्यम से भी यह समझाया गया है कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन सूर्य से इनकमिंग सोलर रेडिएशन आता है, उसमें से कुछ ये जो इससे रिफ्लेक्टेड एनर्जी है वो क्लाउड और एटमॉस्फेयर में के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। कुछ जो शॉर्टवेव रेडिएशन है वो बाहर चले जाते हैं, कुछ जो एनर्जी होती है वो एटमॉस्फेयर में ही अवशोषित कर ली जाती है, और कुछ जो मात्रा जो है पृथ्वी से जो अवशोषित होने के पश्चात शेष बचा जो एनर्जी है वह लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है वह समुद्र में या अंतरिक्ष में चला जाता है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। जब इस सामान्य प्रक्रिया में ग्रीन हाउस गैसेस के एकत्रित हो जाने से बाधा होती है तब पृथ्वी से निकलने वाली सौर तरंगे वह अंतरिक्ष में जाने नहीं पाती है, और समस्त पृथ्वी पर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लग जाता है। ये देखिए सरफेस का लॉन्ग वेव रेडिएशन, ये जो लॉन्ग वेव कुछ पृथ्वी में देखिए अवशोषित हो गया है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर ये अगर सीधे चले जाता, लेकिन ये चूंकि गैसेस है इस गैस के कारण एक आवरण बन गया है, इसलिए बहुत थोड़ी मात्रा में अंतरिक्ष में विकिरण पहुंच पा रहा है, तो इस कारण इस पूरे एरिया का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और इसे ही इस प्रक्रिया को भी हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जहां तक ग्रीन हाउस गैसेस का सवाल है, हमारे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस है जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दो प्रमुख गैसेस है। कार्बन डाइऑक्साइड जिसका कि फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से या डिफॉरेस्टेशन से एंथ्रोपोजेनिक एटमॉस्फेयर में इसका परसेंटेज बढ़ता है, साथ ही साथ मानव जनित एक्टिविटी के कारण 30% जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो रही है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 500 वर्ष पूर्व से ही इस
एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अस्तित्व है। इसी के साथ साथ मीथेन भी है, यह भी एक प्रमुख गैस है जो ग्रीन हाउस गैस के कंटेंट के रूप में आती है। यह राइस कल्टीवेशन, कैटल और शिप रेंजिंग और लैंडफिल के डिकेज होने के कारण या माइनिंग एक्टिविटी का कारण इस गैस का उद्भव होता है। और एंथ्रोपोजेनेटिक एक्टिविटी के कारण लगभग 145% ये जो गैस है मीथेन गैस है उसका परसेंटेज बढ़ जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, यह भी एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। ये इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर आदि के कारण एटमॉस्फेयर में ये इसका प्रमुख स्रोत है। और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के कारण लगभग 15% से ज़्यादा ये इसमें वृद्धि होती है। हम सभी जानते हैं कि ये जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस है उसके कारण सूर्य से पृथ्वी से निकलने वाला या सरफेस से निकलने वाला जो हीट है वह अंतरिक्ष में नहीं पहुँचने पाता है और एटमॉस्फेयर के ऊपर हाउस में ही ऊपरी भाग में ही जमा हो जाता है। यद्यपि 1% एटमॉस्फेरिक गैसेस जो ग्रीन हाउस गैसेस है लेकिन उनका जो बहुत पावरफुल इम्पैक्ट जो है या वो ये जो गैसेस होती है वो हीट को ट्रैप करने वाली सबसे प्रमुख गैसेस हैं। वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, एज़ोन, इन्हीं के कंटेंट से ये ग्रीन हाउस गैसेस का लेयर बनता है। ग्रीन हाउस गैसेस जो है इस प्रकार से नेचुरल ब्लैंकेट अर्थ के ऊपर बना लेता है जिसके कारण 33 डिग्री जो टेम्परेचर है पृथ्वी का वो बढ़ता है। निश्चित रूप से एक प्रकार के ब्लैंकेट के रूप में ये काम करने वाली ग्रीन हाउस गैसेस है। हमारे धरातल पर जो स्नो और आइस जो होते हैं या स्नो वाले भाग है वो जो है सूर्य की एनर्जी को डायरेक्टली स्पेस में भेज देते हैं। अगर ये व्हाइट कवर नहीं होता तो बहुत ज़्यादा वाटर जो है वो इवापोरेट होता है और एटमॉस्फेयर में जाता वेयर इट एक्ट्स एज ए ग्रीन हाउस गैसेस। हम सभी जानते हैं कि वाटर वेपर जो होते हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में एकत्रित होते हैं या एक ग्रीन हाउस गैसेस का एक प्रमुख कंटेंट के रूप में कार्य करते हैं। जितना ज़्यादा इवापोरेशन होगा उतना ज़्यादा वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में जमा हो जाता है। इन नेशनल ग्लेशियर नेशनल पार्क एग्जाम्पल के लिए हम ये बता सकते हैं कि देर आर 150 ग्लेशियर्स इन 1850 बट अब इनकी संख्या केवल 25 रह गई है। 150 ग्लेशियर थे 1850 में लेकिन अब इनकी संख्या केवल 25 हो गई है। निश्चित रूप से ग्लेशियर के घटने का मतलब है कि इवापोट्रांसपोरेशन का बढ़ना और इवापोट्रांसपोरेशन का बढ़ना मतलब ग्रीन हाउस गैसेस के अंतर्गत वाटर वेपर का कंटेंट में वृद्धि होना। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है इसके हमको कई सारे प्रमाण भी मिलते हैं। हम देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो है प्रत्येक 10,000 स्क्वायर माइल पर 2 फीट जो है वह बर्फ जो है वह कम हो गई है। उसी तरह से मियामी और कोस्टल फ्लोरिडा में भी यही इसी से 3 फीट जो है वो उसका जो यह कम हो गया है। उसी तरह से इरोजन, लॉस ऑफ वेटलैंड, फ्रेश वाटर सप्लाई ऐसे अनेक जो तथ्य है वो इस बात को संकेत देते हैं कि सी लेवल जो है वो बढ़ रहा है। कई 2 फीट से लेकर के 3 फीट तक के समुद्र लेवल जो है वो बढ़ रहा है। अब हम आज के ऑब्जर्वेशन पे आते हैं। नासा और इसके जैसे अनेक संस्थाएं हैं जो ग्राउंड लेवल पर और जो अंतरिक्ष में अपने निरंतर नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑब्जर्वेशन का काम कर रहे हैं। और ये जो ऑब्जर्वेशन है वो विश्वव्यापी ऑब्जर्वेशन इनके माध्यम से किया जाता है। अब हम विश्वव्यापी ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को अगर अपन देखते हैं तो हम पाएंगे कि जो मोर टेम्परेट क्लाइमेट लीड्स टू मेजर हीट कम, यहाँ पर जो है वो टेम्परेट क्लाइमेट में वृद्धि हुई है जिसके कारण गेहूं की खेती बढ़ी है। ड्रायर कंडीशन जो है वह ग्रेन के इस एरिया में जो ड्रायर इस एरिया की निरंतर ड्रायर कंडीशन खेती के लिए नुकसानदेह हो रही है जबकि फ्लोरिडा और इजिप्ट इस वाले भाग में बाढ़ का प्रतिशत बढ़ते जा रहा है। इसी तरह से जो अमेजन और उसके आसपास का जो फॉरेस्टेड एरिया है इसमें वनों का निरंतर रेनफॉल घटते जा रहा है इसलिए वनों का जो प्रतिशत है वह घटते जा रहा है। बांग्लादेश और भारत के कुछ एरिया में बाढ़ जो है वह निरंतर बढ़ती जा रही है। ये सबसे ज़्यादा जो ग्लोबल क्लाइमेट का या ग्लोबल वार्मिंग का जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है वो रशिया में हम देख सकते हैं कि जो ड्रायर कंडीशन थी जो इस वाले एरिया में जो ड्रायर कंडीशन थी वो धीरे धीरे ड्रायर कंडीशन के कारण जो
खाद्यान्न उत्पादन है वो निरंतर गिरते जा रहा है। उसी तरह से कि यहाँ पर साइबेरिया वाले इलाके में क्लाइमेट के टेम्परेट हो जाने के कारण यहाँ गेहूं और मक्के की खेती में वृद्धि हुई है, जबकि यहाँ पर चीन और उसके उत्तरी चीन में उच्च रेनफॉल के कारण राइस का यील्ड जो है वो बढ़ गया है। मतलब अगर हम देखेंगे तो पूरे विश्व में क्लाइमेट का चेंज हो रहा है और इस क्लाइमेट के चेंज के कारण उसका असर जो है वो खाद्यान्नों के उत्पादन एवं अन्य सब पर पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण CO2 जो है वो CO2 का परसेंटेज बढ़ रहा है और CO2 के कारण इवापोरेशन का जो परसेंटेज है वो बढ़ते जा रहा है, और जैसे जैसे इवापोरेशन का परसेंटेज बढ़ता है एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर जो होते हैं वह बढ़ते जाते हैं। वाटर वेपर जो है वे बहुत इंपॉर्टेंट गैस है जो कि नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण कंट्रीब्यूट 60% ऑफ इफेक्ट ऑन कार्बन डाइऑक्साइड 26%। सैटेलाइट हैव डिटेक्टेड एन इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर ओवर ओशंस एट द रेट ऑफ 4% पर डिग्री ऑफ वार्मिंग सिंस 1988 के बाद से वायुमंडल में वाष्पीकरण या वाष्प जलवाष्प का प्रतिशत जो है 4% प्रति वर्ष की डिग्री से बढ़ता जा रहा है, ऐसा डिटेक्ट किया गया है। CO2 जो है एटमॉस्फेयर में जो CO2 जो होती है वो बहुत सारे सोर्सेस से आती है, जैसे पौधों के द्वारा आती है एटमॉस्फेयर में मिलती है, देन फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं ये बड़ी मात्रा में जो CO2 जो है एटमॉस्फेयर में लाते हैं, और इस तरह से बहुत से ऐसे रीज़न हैं जिसके कारण वाटर वेपर्स और CO2 का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। एक और बात है कि वार्मर टेम्परेचर के कारण या टेम्परेचर अधिक होने के कारण स्नो जो होता है यह जो है बहुत धीरे धीरे इसका जो है जिसकी मात्रा जो है वो घटते जा रही है, या स्नो जो होता है वो मेल्ट होते जा रहा है और इसके मेल्ट होने की गति जो है वो फास्टर होती जा रही है, और ये जो मेल्टिंग है ये इसके कारण ये जो स्नो एरिया में रहने वाले लोगों के लिए बहुत मुश्किल का काम कर रहा है, खास करके जो स्नो जल के बर्फ के पिघलने से जो फ्रेश वाटर के रिजर्वायर होते थे उनमें हमको निरंतर घटाव की क्रिया दिखने को मिलती है। एक जो धीरे धीरे हमारा ये प्लेनेट है जो गर्म होते जा रहा है, इसके कारण जो इकोसिस्टम है उसमें भी काफ़ी परिवर्तन आया हुआ है। एज द ओशन एब्जॉर्ब्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड द केमिस्ट्री ऑफ द ओशन चेंज पुटिंग मेनी सी मैंने जो बहुत सारे जो समुद्र के जो क्रिएचर है उनमें उनको एक रिस्क के रूप में सामने देख रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे ओशन में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी इनके सहन करने की शक्ति या इनके जो सर्वाइवल का जो पैटर्न है वह अपेक्षाकृत वह प्रभावित होता है। तो आईपीसीसी ने प्रोजेक्ट किया है कि 2100 तक के पीएच ऑफ द ओशन जो होता है वह मतलब सबसे न्यूनतम पॉइंट पर होगा, पिछले 20 मिलियन वर्षों में सबसे न्यूनतम पॉइंट में होगा। निश्चित रूप से यह एक अलार्मिंग सिचुएशन है। जैसे कि टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है या टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे मॉस्किटो टिक्स रोडेंट्स और अदर जो डिजीज कैरिंग जो होते हैं उनका विस्तार भी होते जा रहा है, खास करके डेवलपिंग कंट्रीज में इनका सबका विस्तार ज़्यादा हो रहा है। US में डेंगू फीवर का होना, ट्रॉपिकल एरिया में मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस का फैलना, और फर्स्ट टाइम 2005 में जो रियो ग्रैंड वैली में मलेरिया का होना और स्वाइन फ्लू का होना, बर्ड फ्लू का होना, यह इस बात का इंडिकेटर है कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके समस्त पृथ्वी में टेम्परेचर में वृद्धि होती जा रही है। डेथ्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ चिकन्स हैज बीन कॉज्ड बाय द डिटेक्ट H5N1 वायरस। जो बर्ड फ्लू हुआ था वह भी इसी का एक
भीषण परिणाम हम देख सकते हैं। स्वाइन फ्लू के कारण लगभग 12,799 व्यक्ति जो है पूरे विश्व में प्रभावित हुए थे या मृत्यु को प्राप्त हुए थे। भारत में मृत्यु इस तरह से स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या जो है वो 1,037 थी, जबकि 27,000 जो है वो स्वाइन फ्लू से प्रभावित हुए थे। ये सब जो है ये मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज विल नॉट ओनली इम्पैक्ट द प्लांट्स एंड एनिमल्स बट ऑल्सो इफेक्ट द बैक्टीरिया, फंगी और छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं उसको भी ये प्रभावित करता है। ये जो एक्सट्रीम वेदर पैटर्न के कारण और ग्लोबल वार्मिंग के कारण डायरेक्टली इन्फेक्शनस डिजीज पर बहुत ही निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, खास करके वेक्टर बॉर्न डिजीजेस जो है वो उसका बहुत ज़्यादा वो उनसे ग्लोबल वार्मिंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर और सी लेवल जो सी लेवल जो है वो बढ़ रहा है। ग्लोबल एवरेज सरफेस प्रोजेक्टेड इंक्रीज बाय 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड बाय 2100 में 2100 तक। फिर रेट ऑफ वार्मिंग लाइकली अनप्रेसिडेंटेड एंड एटलीस्ट 10,000 ईयर्स और लैंड एरियाज आल वार्म मोर देन द ग्लोबल एवरेज। फिर ग्लोबल एवरेज प्रेसिपिटेशन विल इंक्रीज ओवर 21st सेंचुरी, 21वीं सेंचुरी तक पूरे विश्व में वर्षा का प्रतिशत बढ़ रहा है और बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन जो है वह बढ़ गई है, कुछ एरिया में बहुत बढ़ गई है, कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा घट गई है। स्नो कवर और सी आइस एक्सटेंड प्रोजेक्टेड टू डिक्रीज फर्दर, जो स्नो कवर है पृथ्वी का वह घट रहा है। ग्लेशियर और आइस कैप्स जो है वह कंटिन्यूड जो होते हैं वह निरंतर इनकी संख्या है वो घट रही है। ग्लोबल मीन सी लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया है 9 सेंटीमीटर से लेकर के 88 सेंटीमीटर तक 21वीं शताब्दी तक ऐसा माना जाता है। निश्चित रूप से ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो बायोडायवर्सिटी का लॉस है यह एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। बायोडायवर्सिटी जो है इकोलॉजी बायोडायवर्सिटी जो होती है यह इकोलॉजी इकोलॉजिकल गुड्स और सर्विसेज के परिप्रेक्ष्य में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि लगभग 10 से 15% की वर्ल्ड की जो स्पीशीज है वह जो है खतरे में है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग के कारण पानी की उपलब्धता समूचे प्लैनेट पर से कम होती जा रही है और बहुत से ऐसे जोन है वो एरिड और सेमी एरिड जोन के रूप में परिवर्तित होते जा रहे हैं। 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है वह पीने के पेय शुद्ध पेयजल के लिए आज भटक रहे हैं। पॉपुलेशन फेसिंग द वाटर स्कैरसिटी मोर देन डबल इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स, आने वाले 30 वर्षों में निश्चित रूप से पूरे समूचे विश्व की जनता को पीने पेयोग्य पानी का पेयोग्य पानी की कमी महसूस होगी। उसी तरह से टोटल कल्टिवेबल एरिया जो है देखिए विश्व में कितना रह गया, यूएसए में 185 मिलियन, चाइना में 131 मिलियन हेक्टेयर और यूरोप में 125 मिलियन हेक्टेयर, ऑस्ट्रेलिया में 56 मिलियन हेक्टेयर और इंडिया में 141 मिलियन हेक्टेयर रह गया है टोटल एग्रीकल्चर एरिया। निश्चित रूप से एग्रीकल्चर जो होता है यह मनुष्य के जीविका का प्रमुख साधन है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण एग्रीकल्चर की प्रक्रिया भी प्रभावित हुई है। ऐसा माना जाता है कि इसके पहले इसमें प्रेसिपिटेशन जो है वो इंक्रीज कई जगह पर इंक्रीज हुई है ग्लोबल वार्मिंग के कारण और इसी के कारण क्रॉप जो होती है बहुत सारे जगह पर पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है और इस कारण पानी की अधिकता के कारण कई बार फ्लड की सिचुएशन निर्मित हो रही है। ऐसा माना जाता है कि जो फ्लड है वो लगभग प्रतिवर्ष 40 सेंटीमीटर फ्लड के कारण, फ्लड का मुख्य कारण है सी लेवल में 40 सेंटीमीटर जो है वो वृद्धि होती है। दूसरा जो एक तरफ ये हो रहा है कि एक तरफ पानी की अधिकता हो रही है और दूसरी तरफ ये हो रहा है कि पानी की कमी, वाटर वेपर टेम्परेचर राइज होने के कारण इवोपोरेशन की प्रक्रिया अधिक हो रही है और इवोपोरेशन की प्रक्रिया अधिक होने के कारण एटमॉस्फेयर में इवोपोरेशन के कारण एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर जो है वो बहुत अधिक मात्रा में हो रहे हैं। वाटर वेपर अधिक मात्रा में हो रहे इसका मतलब ये है कि बहुत सारी जगह में पानी की कमी के कारण फसलें जो है वो नष्ट हो रही है।
है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के परिप्रेक्ष्य में और ग्लोबल वार्मिंग और एग्रीकल्चर के परिप्रेक्ष्य में अगर अपन देखेंगे तो विश्व के कई भाग ऐसे हैं जहां पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और विश्व के कई ऐसे भाग हैं जहां पर पानी की कमी बनी हुई है और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर ये माना जाता है कि लगभग 40 से 300 मिलियन पीपल जो है वह भूख के मारे ग्रसित है, जबकि ऐसा अनुमान है कि आने वाले समय में लगभग 600 मिलियन व्यक्ति जो है वो भूख से ग्रसित हो जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग का एक और इम्पैक्ट है, वो है ग्लोबल वार्मिंग और इन्फेक्शनस डिजीजेस। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है छोटे छोटे इंसेक्टिसाइड्स जो है उनकी मात्रा में बढ़ रही है, जैसे मॉस्किटो, विशेषकर मॉस्किटो बढ़ रहे हैं, जो वैक्टर्स हैं वह भी उनमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही है। क्लाइमेट चेंज जैसे जैसे होते जा रहा है ये हमारे पृथ्वी को प्रभावित करते जा रहा है और उसके कारण जो इन्फेक्शनस डिजीज कैरिंग जो ऑर्गेनिज्म है वो जो है वो बहुत ऊंचे एल्टीट्यूड में भी पहुंचने में सक्षम हो रहे हैं। उनका जो ब्रीडिंग सीजन है, उनका जो इंक्रीजिंग पीरियड है वह जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसमें वृद्धि होती जा रही है। जैसे जैसे क्लाइमेट जो है वो गर्म होते जा रही है, द अमाउंट ऑफ एल्गी एंड फिश दैट प्रोड्यूस द टॉक्सिन पॉइजनस टू ह्यूमन विल इंक्रीज। टॉक्सिन्स भी होते हैं उसमें वृद्धि हो रही है। मलेरिया इज पैरासाइट डिजीज है, ये मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है इसका प्रतिशत भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। समूचे विश्व में मलेरिया का परसेंटेज बढ़ते जा रहा है। इसी के साथ साथ ये देखिए प्लास्मोडियम फैल्सिफेरम मलेरिया का जो प्रतिशत है वो ये जिस चित्र से हम देख सकते हैं कि मलेरिया जो है विश्व का लगभग 45% भाग को अफेक्ट कर रहा है और ये केवल ग्लोबल वार्मिंग के कारण। अगर ग्लोबल वार्मिंग का जो परसेंटेज है ऐसे ही रहा तो निश्चित रूप से मलेरिया का ट्रांसलेशन देखिए ये पूरे इन ट्रॉपिकल और ठंडे जगहों पर भी मलेरिया का प्रकोप हो जाएगा। देखिए पहले तो मलेरिया इस एरिया में बिल्कुल नहीं है, उसके बाद धीरे 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 बढ़ते जा रहा है, लेकिन अगर यही स्थिति रही टेम्परेचर बढ़ता रहा है तो समूचे विश्व को मैंने विश्व का जो 60% एरिया है वो मलेरिया से ग्रसित हो जाएगा। इसी तरह से अन्य प्रकार के जो डिजीजेज हैं वह उसका भी परसेंटेज बढ़ जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कॉलेरा जो है उसका भी बढ़ जाएगा, कॉलेरा, डेंगू फीवर और भी अनेक छोटी छोटी बीमारियां हैं, इन्फेक्शनस बीमारियां हैं और डिहाइड्रेशन के कारण उत्पन्न होने वाली जो पीलिया जैसी बीमारियां हैं, डायरिया जैसी बीमारियां हैं, वह सारी बीमारियां पुनः एक बार अस्तित्व में आ जाएगी। इसके अलावा कई ऐसे तत्व हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के निगेटिव इफेक्ट के रूप में सामने आते हैं, जैसे कोरल रीफ का नष्ट होना। निश्चित रूप से जो सी लेवल बढ़ रहा है, जैसे जैसे सी लेवल बढ़ रहा है बहुत सारे कोरल रीफ जो है वो खत्म होते जा रही है, क्योंकि ग्रीनलैंड जो होता है, जैसे ग्रीनलैंड में देखेंगे उसमें बहुत सारे आइस, सबसे ज़्यादा आइस कंटेंट माना जाता है, लेकिन अगर जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग अगर कंटिन्यू रहा तो इसका जो सी लेवल बढ़ेगा तो आने वाले समय में ग्रीनलैंड जो है वो ख़त्म प्राय हो सकता है। इसी तरह से पोलर आइस कैप्स के जो अमाउंट है वह भी निरंतर घट रहा है और इस घटने के कारण पोलर एरिया में जो लाइफ है वह उस लाइफ या हैबिटेट जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रभावित होते हैं। इसी तरह से वर्ल्ड वाइड वेदर का जो फिनोमिना है वह भी निरंतर परिवर्तित होते जा रहा है, वेटलैंड में भी बहुत ज्यादा विस्तार होते जा रहा है। अब ये हो सकता है, अब प्रश्न उठता है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को स्टॉप करने के लिए या ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं। मनुष्य जो है अपने गतिविधियों के कारण या अपने एक्टिविटी के कारण इस समूचे पृथ्वी पर विनाश का कारण बनता जा रहा है। अगर हम सबसे प्रमुख बात है कि अगर मनुष्य अपने गतिविधियों पर रोक लगा ले तो इस बढ़ती हुए ग्लोबल वार्मिंग को बहुत कुछ काबू में किया जा सकता है। सबसे ग्लोबल वार्मिंग जो है, ग्लोबल वार्मिंग का जो सबसे प्रमुख बात है कि हम अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज का उपयोग करें। हम जानते हैं कि हम फ्यूल को, हम लकड़ियों को जलाते हैं, हम कोयले को जलाते हैं, उससे एनर्जी उत्पन्न करते हैं और उसके कारण बहुत बड़ी मात्रा में CO2 का परसेंटेज आसमान में चला जाता है। हमको अपने सर्वाइवल के लिए अब हमको अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स को सोचना पड़ेगा। हमको एनर्जी के जो दूसरे अल्टरनेटिव वेज है, जैसे कि टाइडल एनर्जी, जैसे कि सोलर एनर्जी, जैसे कि
विंड एनर्जी, जैसे कि ये एनर्जी, इन सब का प्रयोग हमको दिनों दिन बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि हम बहुत कम मात्रा में CO2 का उत्सर्जन एटमॉस्फेयर में जाने से हम बचा सकते हैं। निश्चित रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और जो दूसरे मेजर जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है उसको मूल रूप से घटाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो आए हैं इस संदर्भ में, जिसमें जो कि इस बात को बता रहे हैं कि कैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में जाने से बचा सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को की मात्रा को कम करने का निश्चित रूप से एकमात्र उपाय है धरातल पर एफॉरेस्टेशन, मैंने वनों को लगाना या वनीकरण जो है वह सबसे प्रमुख उपाय है। और इस क्लाइमेट चेंज और जो कुछ भी नेशन वाइज और वर्ल्ड वाइज जो चेंज आ रहे हैं, इसको मिनिमाइज करने का एक ही तरीका, इसको कम करने का एक ही तरीका है, या ग्लोबल वार्मिंग को एक ही कम करने का एक ही तरीका है कि हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करें। जब हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने में कामयाब हो जाते हैं तो निश्चित रूप से हम इस ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को हल करने में कामयाब होंगे। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फूड एवं फाइबर के प्रोडक्शन को ध्यान देना पड़ेगा, प्रोविजन ऑफ क्लीन एंड सफिशियंट वाटर की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेनेंस करने के लिए प्रयत्न करने पड़ेंगे, ह्यूमन हेल्थ को मेंटेनेंस करने के लिए प्रयत्न करने पड़ेंगे, नाइट्रोजन सर्कल, कार्बन डाइऑक्साइड सर्कल, फास्फोरस साइकिल, इन सभी साइकिल को पूरी तरह से स्थिर करने का प्रयास करना पड़ेगा। ये जो क्लाइमेट चेंज है या ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये इकोलॉजिकल सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त कर देगी। इसलिए हमको चाहिए कि हम अपने क्रियाकलापों में सुधार करें। निश्चित रूप से हमको अधिक क्रॉप का उत्पादन हमारे लिए बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए जरूरी है, लेकिन हम ऐसी क्रॉप उत्पादित करें जो कि कम से कम ग्रीन हाउस गैस में उत्पादित करें। हम अपने एनवायरनमेंट को सुरक्षित करें, हम वृक्षों को न काटें ताकि वृक्ष हरे भरे रहे और वृक्षों की संख्या हमारे धरातल पर बनी रहेगी, तो निश्चित रूप से एटमॉस्फेरिक बैलेंस जो है ऑटोमेटिक बनता रहेगा। हम बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाएं, क्योंकि जितनी अधिक जनसंख्या रहेगी उनको फीड करने के लिए उतनी ही हमको अन्न उत्पादन की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसलिए जरूरी है कि हम अपनी जनसंख्या को कम करें। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात है कि जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज ने किया है कि 5-20% क्रॉप यील्ड जो है आने वाले सेंचुरी में, फर्स्ट डिकेड ऑफ दिस सेंचुरी में जो है वो बढ़ेगा, और ये जो क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए हम बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसा कि हमने देखा था कि पहले जो क्रॉपलैंड है वो मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी थे, लेकिन बढ़ते हुए टेम्परेचर के कारण टेम्परेट जोन में भी खाद्य के क्षेत्र उत्पादित हो जाएंगे। ऐसे में फूड क्रॉप जो है वो अपेक्षाकृत बढ़ जाती है, और ये जो बढ़ती हुआ खाद्य उत्पादन है वो हमारी जनसंख्या को फीड के लिए बहुत जबरदस्त होता है। तो इस प्रकार अगर ग्लोबल वार्मिंग के कुछ निगेटिव इम्पैक्ट्स है तो यह एक पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी है जो कि हमारी मानव जाति के समक्ष में बहुत ही जबरदस्त है। तो इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने ही ना दें, या इसके लिए हम मनुष्य ही सबसे ज़्यादा कारगर होते हैं। हम अपनी एक्टिविटी को सीमित करें, संयमित ढंग से हम रिसोर्सेज का उत्पादन करें, हम सस्टेनेबल तरीके से अपने रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे तो निश्चित रूप से हम पर्यावरण के जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसके परसेंटेज को कम करने में मदद कर सकते हैं, और यही ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का सही कारगर उपाय होगा। नमस्कार।